नमस्कार साथियों, एसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का हमारे पर्सनालिटी 2D का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें तीन जो है नंबर दिए हुए, एक और दो और तीन। ठीक है, तो पहला है इसका कि पी एक्स बराबर एक्स के क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 3 जी एक्स है एक्स का स्क्वायर माइनस 2। तो जी एक्स यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2 से इसमें भाग देना है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया हम लोग चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे हल और डायरेक्ट भाग दे देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से किस में भाग दे देते हैं, तो एक्स का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस में फाइव एक्स माइनस में थ्री। ठीक है, तो भाग देते हैं। ध्यान से देखिए, अब देखिए एक्स का क्यूब लाने के लिए हम लोग को एक्स स्क्वायर में किससे गुणा करना पड़ेगा, तो 3 और 2 में कितने का अंतर होगा, एक, यानी कि ये अकेले एक्स से गुणा कर दिया जाए तो जो है मैंने अगर नहीं आता है कुछ भी और नहीं समझ में आता है कि क्या किया जाए, तो इसके घात में से इसके घात को घटा लीजिए, मतलब 3 में से 2 घटा लीजिए, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि एक्स पे 1 घात चाहिए, तो एक्स पे 1 घात चाहिए गुणा इसमें कर दिया जाएगा तो एक्स पे 3 घात आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में एक्स से अगर गुणा करते हैं तो एक्स पे क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और एक्स से फिर इसमें भी गुणा करेंगे, देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ठीक है, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह क्या होगा, माइनस। ये ध्यान में रखिएगा कि प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब यक्स का 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x। तो 2x, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, हम लोगों को चाहिए 2x, तो यहाँ न लिख के, ठीक है, मैंने यहाँ आ रहा है 2x माइनस में, तो यहाँ एक्स है, यहाँ केवल एक्स है, तो एक्स का मैंने घात 1 है, तो एक्स का घात इसके पास लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो 2x यहाँ लिख देते हैं तब जो है ठीक रहेगा। ठीक है, तो 2x यहाँ लिख देंगे। अब क्या करते हैं भाई, घटाते हैं तो इसका भी चिन्ह बदल देंगे और इसका भी चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, तो चिन्ह बदल दिया, अब ये जो है हो जाएगा 0। और इसको उतार लेते हैं, तो इसको ज्यों कहते हैं उतार लेते हैं, तो माइनस में ये जो है 3x का स्क्वायर उतर जाएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई इसमें तो भाग दिए नहीं है, इसलिए इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो यहाँ जो भाजक मतलब जो गुणा करने पाया है उसी के चिन्ह में परिवर्तन करते हैं, तो इसको ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, और इसको जो है देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो जुट जाएगा और चिन्ह क्या आएगा, तो प्लस का ही आएगा, तो जो है यहाँ प्लस कर लेंगे, अब 5 और 2 7 कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, और जो है अब इसको चाहे तो उतार सकते हैं -3 को। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए -3x² है, प्लस में 7x है, माइनस में 3 है। ठीक है, तो -3x² लाने के लिए जो है कितना से जो हम लोग को इसमें भाग गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस में 3x लाने के लिए माइनस में 3 से केवल गुणा कर दिया जाए, माइनस में 3 से, तभी ना -3 से x² में गुणा करेंगे तो -3x² हो जाएगा। और फिर -3 से 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस गुणा माइनस प्लस होगा। ठीक है, आज 3 × 6, तो प्लस में 6 जो है किसके नीचे, अंक में आ रहा है, तो अंक के नीचे लिखेंगे, मैंने प्रयास करते हैं कि जो जितना घात का है उसी की घात के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो जो है इसके नीचे लिख दिया हमने। ठीक है भाई, x² यहाँ पे है तो x² यहाँ पे लिखा, और खाली अंक यहाँ पे है तो अंक यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो जो है अब जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर जो चिन्ह बदल लेंगे, भाई भाग का नियम है कि घटाते हैं तो सबका चिन्ह बदलेगा, तो चिन्ह बदल देंगे, ये 0 हो जाएगा, इसको उतार लेंगे 7x, फिर इसको माइनस माइनस जुट जाएगा, तो माइनस 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 ही होगा, आज जोड़ देंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इससे भाग जाएगा नहीं। ठीक है, अब इसमें क्योंकि देखिए इसका घात और इसका घात
जब इसका घात इससे बड़ा हो गया तो इसका मतलब अब भाग नहीं जाएगा, तो इतना जो है क्या हो जाएगा, शेष फल हो जाएगा, इतना जो है शेष फल होगा और इतना जो है क्या होगा, तो भाग फल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग स्पष्ट करने के लिए कि अतः भाग फल क्या है, इतना है और शेष फल इतना है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए अतः अतः भाग फल। और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कम से कम आप लोग जो है कॉपी पर जो है इसको नोट करते जाइए, अतः भाग फल एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 और शेषफल जो है क्या है, शेषफल जो है 7x माइनस 9 है, ठीक है। तो ये जो है पहला सवाल हो गया, अब इसी का हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल है px बराबर कितना है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा है px बराबर x पे 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, और gx है x का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x। इसको याद करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, x का स्क्वायर प्लस में ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए और इसी ऐसे ही भाग देंगे इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसको जो है सिस्टमेटिक करके भाग देने पर गड़बड़ हो जा रहा है, इसलिए ये जैसे है वैसे ही करके भाग देते हैं हम लोग, ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जैसे है वैसे ही भाग देंगे इसमें, ठीक है ना, क्योंकि जो है देखिए हमने यहाँ पे किया था इसको सिस्टमेटिक करके घातों के घटते क्रम में लिख के, तो यहाँ जो है कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए ऐसे करके ही देखते हैं, तो यक्स का स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में यक्स से भाग दे देते हैं हम लोग किस में, यक्स पे 4 माइनस में 3x का 2 और प्लस में 4x और प्लस में 5, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इससे भाग देते हैं इसमें, तो कितने बार में जाएगा, यक्स पे 2, ठीक है। तो एक्स पे 2 करेंगे तो एक्स पे हो जाएगा 4, ठीक है। एक्स पे स्क्वायर से अगर 1 में गुणा करते हैं तो यह जो है प्लस में ही आएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। यही फायदा हो रहा है कि देखिए यहाँ पे जो है इसके घात के नीचे ये आ गया, ठीक है। और एक्स का स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में एक्स पे क्यूब, ठीक है, माइनस में एक्स पे क्यूब। तो इसके सामने न लिख के हम लोग बाहर ही लिख रहे हैं, समझिए कि बाहर लिख रहा है इसको, ठीक है ना, क्योंकि यह एक्स एक घात है, यहाँ एक्स पे 3 घात है, तो इसके नीचे न लिख के समझिए बाहर लिख रहे हैं, कहीं अलग लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इसको, तो यहाँ न लिख के यहीं लिख दिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसका चिन्ह बदल लेते हैं, तो चिन्ह बदलते हैं, है? ठीक है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस माइनस जुटता है तो 3 × 1 = 4, माइनस में जो है 4x² अब देखिए 4x² लिखने से पहले ये बड़े घात में है प्लस में x³, तो पहले इसी को लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहले इसको लिख लेते हैं प्लस में x पे क्यूब, ठीक है, और तब तो इसको अब लिखते हैं, तो माइनस में जो है 4x², ठीक है। इसलिए लिखेंगे क्योंकि बड़ा घात पहले रहता है उसके बाद छोटा घात रहता है, ठीक है। और फिर इसको उतार सकते हैं हम लोग 4x, ठीक है, प्लस में 5, ठीक है। देखिए क्योंकि जो है इसमें कुछ नहीं हुआ है और इसमें कुछ नहीं है, इसलिए इसको उतार रहे हैं, ठीक है। अब जो x पे क्यूब लाना है तो x पे क्यूब लाने के लिए जो है कितना से गुणा करना पड़ेगा हम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ x, और यहाँ देखिए प्लस में चाहिए, तो यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस में गुणा होगा तभी ना प्लस आएगा, तो प्लस x, ठीक है। तो प्लस एक्स से इसमें गुणा करेंगे तो प्लस एक्स से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पे क्यूब आ जाएगा। अब प्लस एक्स से 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स से 1 में गुणा करेंगे तो खाली एक्स से होगा प्लस में, तो यहाँ इसके सामने लिखेंगे एक्स के सामने तो एक्स हो गया, ठीक। एक्स का इस यहाँ प्लस देखिए प्लस माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आएगा ना, प्लस माइनस माइनस
एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के सामने लिखेंगे तो यहाँ माइनस में जो है क्या लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका घात मिल जा रहा है, तो जो घात मिल जाता है उसी घात के सामने लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो है क्या है, माइनस है, ये यहाँ जो है प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब इस चिन्ह को भूल जाएंगे, केवल इस चिन्ह को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए विपरीत चिन्ह हुआ, तो जीरो हो गया, या काट सकते हैं या जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, तो जो है चिन्ह माइनस का आएगा और जो है ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ प्लस में है या माइनस में, तो घटेगा, विपरीत चिन्ह होता है तो घटता है, तो घटाएंगे तो 4x में से 1x घट जाएगा, तो प्लस में जो है 3x हो जाएगा। देखिए प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह ज़्यादा है, ठीक है, और प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, अब जो है फिर इसको जो है -3x² लाने के लिए इसमें कितना से गुणा किया जाए, तो क्लियर है कि -3 से गुणा करना पड़ेगा, तो -3 से गुणा कर देते हैं, तो -3 से x² में गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 3x², ठीक है। -3 से फिर जो है प्लस में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में जो है कि माइनस और प्लस माइनस होगा, और देखिए ये दोनों अंक होंगे ना, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, और वो भी माइनस में, तो यहाँ अंक के सामने अंक लिखेंगे, ठीक है, मैंने जो नंबर है नंबर के सामने। अब -3 का x के साथ गुणा होगा तो माइनस में 3x, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस में 3x आएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि x x मिल जा रहा है, ठीक है, तो ये मिल गया तो यहाँ लिख देंगे। अब जो है चिन्ह बदल लेते हैं, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ जो है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये चिन्ह बदल लिया। अब ये जो है क्या हो गया, 0, और ये भी जो है हो गया, नहीं नहीं देखिए ये भी प्लस में, भी प्लस में, तो नहीं ये माइनस में है ना, इसी चिन्ह को ना देखेंगे, इस चिन्ह को तो भूल जाएंगे, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और ये जो है प्लस प्लस जुट जाएगा तो 5 3 8 हो जाएगा, तो 8 शेषफल हो गया, शेषफल कितना हो गया 8, और भागफल कितना हो गया, इतना हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 3, तो भागफल लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे अतः 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 भागफल भाग फल कितना है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 3 है, और शेषफल है, शेषफल शेषफल है 8, ठीक है, तो शेषफल 8, भागफल इतना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो इसी का तीसरा सवाल देखते हैं, ठीक है, तो इसका तीसरा है पी एक्स बराबर एक्स पे 4 - 5x प्लस में 6, और जी एक्स है 2 - x², ठीक है। तो इसको हम लोग या करके लिख सकते हैं, या करके माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे जो है इसे इसमें भाग देंगे हम लोग, यानी कि पी एक्स का जी एक्स में भाग देंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 भाग्य क्या, भाग्य एक्स पे 4 - 5x प्लस में 6, ठीक है। तो अब देखिए एक्स पे 4 लाने के लिए इसमें कितना सुगुणा करना पड़ेगा, तो अब तो आप लोग जान गए होंगे कि देखिए यहाँ पे जो है एक्स पे 2 घात है, तो एक्स पे 2 घात और ले लिया जाए तो आराम से एक्स पे 4 आ जाएगा। अब देखिए हम लोगों को यहाँ प्लस में चाहिए, तो इसीलिए माइनस में एक्स पे 4 लेना पड़ेगा, एक्स पे 2 लेना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम लोगों को हर हाल में प्लस में एक्स पे 4 चाहिए, तो प्लस में एक्स 4 कब आएगा, जब माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स पे 4 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना। अब देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस में, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस में आएगा, एक्स स्क्वायर इसमें दिया ही नहीं है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसको चाहे तो हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं इधर, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस से होगा तो माइनस में लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2x² माइनस में लिख सकते हैं 2x², ठीक है, कहीं इसका घात इसमें नहीं मिल रहा है तो इसको बाहर भी लिख सकते हैं, मैंने इन सब से हट के लिख सकते हैं, ठीक है। अब चिन्ह बदल लेंगे, तो इसका चिन्ह बदल दिया, इसका चिन्ह बदल दिया, ठीक है। अब जो है देखिए
अब हम लोग यहाँ पे जो है चाहे तो इसको यहाँ उतार सकते हैं, इसको यहाँ उतार सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है भाग का सुटेबल नहीं रहेगा जो है। सब मिला जुला के जो है कहने का मतलब ये है कि बड़े घात वाला पहले रहना चाहिए। तो यहाँ जो है 5x पे एक ही घात है, और यहाँ जो है 2x² है, दो घात है, तो पहले इसको लिखते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे 2x² पहले इसको लिख लिया, उसके बाद ये लिखते हैं, तो माइनस में 5x लिख लेंगे और प्लस में 6 लिख लेंगे, ठीक है ना। ये भाग का नियम है कि पहले बड़े घात वाले को लिखते हैं, ठीक है, भले यहाँ है तो क्या है पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो 2x² हो गया। अब 2x² लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो जो है क्लियर है कि 2 अब माइनस में लाना है, माइनस में नहीं प्लस में लाना है, यहाँ प्लस है ना प्लस में, तो माइनस में जो है हम लोग 2 ले लें, माइनस में 2, तभी ना माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 का जो x² में गुणा होगा तो 2x² हो जाएगा, होगा ना। आप प्लस में, तो प्लस में 2x² हो गया, और माइनस 2 से प्लस 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो चिन्ह बदल लेते हैं तो माइनस हो गया, ये भाई इसी का चिन्ह बदलेंगे इसका नहीं, ठीक है। तो अब जो है क्या हो जाएगा, अब घटा लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, और ये जो है माइनस में 5x हो जाएगा, अब प्लस प्लस जुट जाएगा तो प्लस में जो है 10 हो जाएगा, 6 4 10, तो प्लस में 10 हो जाएगा। तो अब भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 5x जो है किससे छोटा घात है, इससे, तो इसलिए भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ से ये शेषफल हो जाएगा और ये भागफल हो जाएगा, तो भागफल हम लोगों का इतना हो गया, शेषफल इतना हो गया। अतः यहाँ लिख देंगे, अतः भागफल कितना हो गया, तो माइनस में एक्स का स्क्वायर माइनस में 2, शेषफल हो गया, शेषफल हो गया माइनस में 5x प्लस में 10, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए यदि मनोहरी के मैथ पढ़ना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, कोरोना से बच के रहिए, घर में रहिए। थैंक यू, बाय बाय।